नीतीश कुमार की भी पहली प्रतिक्रिया आ गई है, जल्दी से वो सुन लेते हैं फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जो आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद सिर्फ शुरू किए हुए थे, लगातार सब जगह कितना आंदोलन पटना कहाँ कहाँ नहीं कितना हुआ सब आप जानते हैं, और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सहमत नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए कितने भी कोशिश किए थे, लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे। और इन लोगों को भी हमने कहा, तो अब एक बात हो रहा था विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है, हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए बदल दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है आप जानते हैं कैसे पूरा हाल सब बदल गया है। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, 5 नवंबर में, तो जो कितना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना, कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था, इसे आज भी घोषणा उसे आप सुनिए ना, सब कुछ किया गया। हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा, नहीं तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब करो। विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? हम लोग विशेष राज्य का दर्जा जी कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कह ही दिए थे कि एक चीज का तो शुरू हो गया।